अगर कोई लोग काम नहीं जानते हैं तो उनको हम लोग काम भी सिखाते हैं, उसमें रहना खाना फ्री होगा और उसके यहाँ पे एक रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा जॉब के नाम पे, ठीक है। पेमेंट मिलता है कितना दिनों पेमेंट मिलता है? यही हफ्ता में काम करेंगे और काम बिल्कुल उनको बारीकी से जो काम होता है वो बताया जाएगा, सिखाया जाएगा जैसे जो होता है, ऐसा नहीं देना। और जो लोग नहीं जानते, जैसे मान लीजिए जिनका पहले से कोई भी स्किल नहीं है इस लाइन में, उसमें आपका टी शर्ट हो गया, लोअर पैजामा जो बोलते हैं वो बनाते हैं। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनोखा बिजनेस आइडियाज में। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आप लोग बार बार कमेंट करते रहते हैं, सर जॉब का वीडियो लाइए, जॉब का वीडियो लाइए, तो आप लोग कमेंट के रिगार्डिंग फिर से सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए जॉब का वीडियो। दोस्तों आज हम एक बार आए हुए हैं पटना के बहुत ही अच्छे फैक्ट्री में। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जैसे कि हमारे पीछे देख रहे हैं बहुत सारे मशीन लगा हुआ है और बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं। अगर आप भी करने के इच्छुक है तो यहाँ पे आसानी से जुड़ करके बहुत पैसा कमाइएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको रहना खाना फ्री है। चलिए यहाँ के ऑनर से मिलेंगे और किस तरह का जॉब है और क्या सैलरी है सजग इस वीडियो में कवर करेंगे। फैक्ट्री कॉर्नर, तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आपका सर। जी सर, जैसा कि बताना चाहते हैं कि जॉब के लिए जो लोग अगर मान लीजिए जॉब करना चाहते हैं, हाँ, तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा उनके लिए ये चीज रहेगा कि अगर मान लीजिए कि वो यहाँ आते हैं, हाँ, अगर वो पहले से काम जानते हैं तो पर डे डेली मतलब जिस दिन आएंगे उसी दिन से वो ज्वाइन करके काम कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई लोग काम नहीं जानते हैं, हाँ, तो उनको हम लोग काम भी सिखाते हैं, उसमें रहना खाना फ्री होगा और उसके अलावा अगर मान लीजिए रहना खाना फ्री होगा और एक महीना का उनका ट्रेनिंग पीरियड होगा जिस बीच में हम सैलरी नहीं देंगे, लेकिन जो भी मतलब वीडियो में आपके वीडियो में जो मशीन दिख रहा है इस मशीन पे उनको हम ट्रेन कर देंगे एक महीना बाद, लगभग मान के चलिए कि डेली का वो 300 400 500 600 जो उनका काबिलियत रहेगा उस हिसाब से वो पैसा कमा सकते हैं। और जो लोग जानते हैं, जो लोग पहले से बाहर में, जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे बहुत लोगों को नहीं पता है यहाँ के बारे में, तो बहुत लोग बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए है कि आप यहाँ पे एक बार आके विजिट कीजिए और विजिट करके देखिए कि किस टाइप का काम है और एक बार कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग पहले से हैं कर रहे हैं वो लोग मान के चलिए कि दिन का 500-600 रुपया अभी के टाइम पे एकदम नॉर्मल जो बता रहे हैं काम, क्योंकि अभी जो महीना है दिसंबर का महीना है तो अभी के टाइम पे क्या होता है कि काम थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही अभी सीजन आएगा फरवरी आएगा जनवरी के बाद से काम उठना स्टार्ट हो जाता है तो काफी ज्यादा मतलब डेली का, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 1000-1200 रुपया पर डे भी कमाते हैं, ठीक है, उस टाइप का भी है। और जो लोग अगर मान लीजिए इस लाइन में नहीं है, ठीक है, अगर इस लाइन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं लेकिन अगर वो सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराया जाएगा, वो यहाँ पे आके रह के रहना खाना फ्री आके सीख सकते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जो फैक्ट्री है इसमें क्या क्या चीज मैन्युफैक्चरिंग होती है? मेरे यहाँ पे जो फैक्ट्री है इसमें आपका टी शर्ट हो गया, लोअर पैजामा जो बोलते हैं वो बनाते हैं और उसके बाद आपका हाफ पैंट बनाते हैं। अभी तीन आइटम पे काम कर रहे हैं लेकिन और भी टाइम जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो और भी सारा आइटम में बनाना स्टार्ट करेंगे। और दूसरा चीज की देखिये, बच्चा से लेकर बड़ा तक अभी हम जो बना रहे हैं वो सिर्फ यही बना रहे हैं, लोअर बना रहे हैं, टी शर्ट बना रहे हैं और हाफ पैंट बना रहे हैं। जो लोग भी स्पोर्ट लाइन में पहले से काम किए हो मतलब किए हैं उनको पता है, क्योंकि स्पोर्ट लाइन में इसी टाइप का काम होता है और उसी टाइप से हम लोग भी मतलब जो भी जॉब मतलब मेरे यहाँ पे काम करते हैं तो यहाँ पे रहना खाना फ्री है, लेकिन जो भी हम लोग माल तैयार करवाते हैं तो सबको पीस रेट पे सैलरी देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कारीगर जो बुला रहे हैं किस किस तरह का कारीगर होना चाहिए? जैसे देखिए कारीगर जो होंगे वो अगर मान लीजिए जैसे वो कंसाई चलाते हो, फ्लैट चलाते हो, सिंगर चलाते हो, ओवरलॉक चलाते हो, वो कोई भी मशीन चलाते हो, वो जो मशीन चलाते हो, मेरे पास सारा मशीन खाली है, अवेलेबल है, वो कोई भी मशीन आके यहाँ पे बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। माने जो लोग नहीं जानते हैं, चलाना नहीं जानते, वो भी यहाँ से आकर जुड़ सकते हैं और जो पहले से कहीं कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं? हाँ हाँ, वो लोग भी आ सकते हैं। और जो लोग मान लीजिए कि नहीं जानते हैं, काम नहीं जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पे उनको एक महीना का टाइम देना होगा, उनको यहाँ पे रहेंगे खाएंगे और यहाँ पे हम लोग उनको काम सिखाएंगे, ठीक है। एक महीना का टाइम लगेगा, एक महीना बाद जब काम वो सीख लेंगे तो जैसे आपके वीडियो में हम पहले भी बोले हैं कि 300, 400, 500, 600 वो उनके काबिलियत के ऊपर है कि वो डेली कितना कमा पाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे सैलरी पे कुछ भी नहीं है, सारा कुछ पीस रेट पे है, ठीक है। वो जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा उनका पैसा बनेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मान के चलिए जिनको यहाँ पे आना है, जुड़ना है, तो किस तरह से जुड़ेंगे यहाँ से? जैसे देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जैसे कोई बहुत जगह पे क्या है कि जॉब के नाम पे पैसा मांगा जाता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा जॉब के नाम पे, ठीक है। और दूसरा चीज है कि मेरे कंपनी में आप विजिट कीजिए, विजिट करके काम देखिए, काम समझिए, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और नहीं, अगर मान लीजिए जो लोग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले यही बताना चाहेंगे कि एक रुपया भी देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी काम आप खुद काम करने आए हैं तो पैसा क्यों लगाना है।
काम जब सीख लीजिएगा तो पर डे का आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं अपना। इनका कहने का सेंस है कि दोस्तों बहुत जगह देखते होगा पंपलेट लगा हुआ रहता है, उसमें नंबर दिया हुआ रहता है, इस नंबर पे कॉल कीजिए और ज्वाइनिंग कीजिए, तो आपको बताया जाता है कि आपको पहले पहला पेमेंट या फिर कुछ पैसा दीजिए, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। देन उसके बाद क्या होता है कि लोग ज्वाइनिंग भी नहीं करवाते हैं, पैसा ले लिया बस फिर घुमाते रहते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ पे आइए आसानी से, आपको जॉब के नाम पर एक रुपया भी यहाँ पे नहीं देना है। क्या पैसा नहीं देना है? पहला चीज पैसा नहीं देना है। और जो लोग नहीं जानते, जैसे मान लीजिए जिनका पहले से कोई भी स्किल नहीं है इस लाइन में, उनको हम लोग ट्रेंड करते हैं, तो ट्रेनिंग का जो चार्ज है वो भी हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, माने यहाँ पे कहने का ट्रेनिंग का भी सुविधा है ना, आसानी से ट्रेन करके अपना फिर अपना मशीन चला सकते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे क्या है कि ट्रेनिंग का भी कोई चार्ज नहीं है। बहुत जगह पे क्या है कि ट्रेनिंग के नाम पे पैसा लेते हैं, लेकिन इस टाइप का कुछ भी नहीं है। जब भी उनको आना हो तो सिर्फ आधार कार्ड वो अपना लेके आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, काम करेंगे, और काम बिल्कुल उनको बारीकी से जो काम होता है वो बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, जैसे जो होता है, मान लीजिए सिलाई कैसे क्या करना है सब कुछ। सबसे अहम सवाल ये रहता है कि बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर जाते हैं वहाँ पे ज्वाइन तो कर जाते हैं, काम भी करवा लेते हैं, बट मंथली लगने के बाद लोग सैलरी नहीं दे पाते हैं, बहुत ज्यादा कमेंट रहता है। तो जैसे सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सैलरी का कोई बात ही नहीं है, ठीक है, वो जो लोग भी अगर यहाँ पे विजिट करते हैं तो एक सप्ताह काम करेंगे उनको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि हम सप्ताह में पेमेंट करते हैं। अगर उनका मन है कि हम 5 दिन में पेमेंट ले ले, 3 दिन में पेमेंट ले ले, उनके ऊपर है, जितना जितना का वो काम करेंगे वो हमसे पेमेंट ले लेंगे। जैसे सब लोगों का पेमेंट हम लोग ऑनलाइन करते हैं, उनका भी पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे वो मांगेंगे दे देंगे, और सब सप्ताह में यहाँ पे पेमेंट होता है। उसके लिए जो मेरे पास पहले से काम कर रहे हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि सप्ताह में किस टाइप का होता है। और दूसरा, ये लड़का नया लड़का है, अभी लगभग 20 दिन हुआ है इसको, ठीक है, तो ये अभी ट्रेनिंग पीरियड में ही है लेकिन काम भी कर रहा है, ठीक है, अभी 20 दिन में ही इसके पास एक्सपीरियंस है, इसलिए हल्का सा मतलब हम इसलिए बोलेंगे कि उनसे आप व्यू ले लीजिए कि किस टाइप का क्या है, क्योंकि आप भी देखिए आपको भी नहीं पता है, अभी नहीं, बिल्कुल अगर आप व्यू लीजिएगा तभी आपके मतलब व्यूअर को पता चलेगा कि किस टाइप का क्या है जो लोग पहले से काम कर रहे हैं। चलिए इनसे देखिए काम कर रहे हैं सर, हम बात करते हैं फिर उसका तो बताते हैं एड्रेस वगैरह क्या है। ऐसा जी, आप यहाँ इस कंपनी में कितना दिन से काम कर रहे हैं? 20-25 दिन से। 20-25 दिन से हुआ है ना? जब शुरू शुरू में आया तो मशीन पर नहीं बैठते थे, पहले ऐसे रहते थे ना, अच्छा कितना दिन मशीनों पर बैठने लगे? बस आए तो 1-2 दिन बाद फिर पिछले सिंगल पर चलाते थे, फिर इस पर आके सीखने लगे। अच्छा, एक दिन में कितना प्रोडक्शन निकाल लेते हैं लगभग? 100 पीस। हाँ, मैंने एक दिन का लगभग कितना बन जाता है? वही 300-400 बन जाता है। हाँ। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपको जो पेमेंट मिलता है कितना दिन में पेमेंट मिलता है? यही हफ्ता में। हफ्ता में मिल जाता है। देखिए यहाँ पे यह फीडबैक दे रहे हैं कि मात्र सप्ताह भर में आपको यहाँ पे पेमेंट आसानी से मिल जाता है, यहाँ पेमेंट में किसी तरह कोई लोचा नहीं है। ठीक है सर जी, हमारे व्यूअर को एड्रेस दे अच्छे तरीके ताकि यहाँ तक आसानी से पहुँच सके। देखिए सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे जो भी आपके व्यूअर होंगे वो हमसे दो तरीके से बात कर सकते हैं, जो नया लोग काम करना चाहते हैं या पहले से कोई कर रहे हैं तो वो दो तरीके से हमसे बात कर सकते हैं। एक तो व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं, दूसरा अभी वीडियो में डिस्प्ले पे जो नंबर होगा उस पे कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कॉल नहीं उठता है तो आधार कार्ड वो अपना अगर व्हाट्सएप पे भेजते हैं फोटोकॉपी तो उनको हम यहाँ का लोकेशन भेज देंगे। लेकिन जो लोकेशन होने वाला है ये आपका पटना से लगभग मान के चलिए पटना साहिब से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये आपका जगह है, इसका नाम है सबलपुर, ठीक है, बगल में इससे भी बगल में ये रेलवे स्टेशन है बंका घाट, 2 किलोमीटर डिस्टेंस है वहाँ से, और नया वाला जो बस स्टैंड बैरिया बस स्टैंड है उससे लगभग 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है सबलपुर। यहाँ पे मतलब काफी फेमस एक मजार है, ठीक है, वहाँ पे आके किसी से भी पूछ लेंगे कि कपड़ा का फैक्ट्री कहाँ पे है, कोई लोग भी बता देंगे, और मतलब मजार से लगभग 100 मीटर ही हटके फैक्ट्री है, दोनों साइड मान लीजिए वो ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं।